अनायास गाथून टीवी। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। वो सब इकट्ठे रहते थे, खूब खेलते, उछलते, कूदते, मजे करते थे। खाने पीने की भी कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ था। गरज हर लिहाज से वो उनके लिए बहुत मुनासिब जगह थी। ठंडा मीठा पानी भी था और मज़े मज़े के फ्रूट्स भी थे। वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ पे रहते और बहुत मज़ा करते। फिर एक दिन वहाँ पे कहीं से बहुत सारे हाथी आ गए। उन्होंने जब इतना खूबसूरत जंगल देखा तो उन्होंने वहाँ रहने का फैसला किया और बंदरों से कहा कि वो वहाँ से भाग जाएं, अब हम यहाँ रहेंगे। बंदरों ने बहुत मिन्नत समाजत की कि हमें यहाँ पे रहने दें, प्लीज, ये हमारा घर है, हम हमेशा से यहाँ पे रहते हैं, हमारे बाप दादा भी यहाँ पे रहते थे और हमारे पास रहने को और कोई जगह नहीं है। हमारे खाने पीने का सामान और जरूरत की हर चीज यहाँ पे है, प्लीज हमें यहीं पे रहने दें, हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से ना निकालो हमें। मगर हाथी ना माने और बंदरों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया और खुद वहां पर मजे से रहने लगे। सारे बंदर एक जगह इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि अब क्या करें। एक बोला, मुझे तो अब अपने घर के बगैर नींद भी नहीं आएगी। एक बोला, मुझे तो भूख लगी है और अब हमारा सारा खाना और सामान तो हाथियों के पास है, अब हम क्या करेंगे। ये सोचते सोचते एक बूढ़े बंदर ने उन्हें ये मशवरा दिया कि तुम लोग मुझे जख्मी करके जंगल में हाथियों के पास फेंक दो। पहले तो सारे बंदर बड़े हैरान हुए और बिल्कुल ना माने कि हम आपको क्यों मार मार के जख्मी करें और क्यों हम हाथियों के पास फेंकें। मगर आखिरकार बूढ़े बंदर ने सबको मना ही लिया और बंदरों ने उसको मार मार कर जख्मी करके हाथियों के पास जंगल में फेंक दिया। हाथियों ने देखा तो पूछा कि ये क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा ये हाल किसने किया है। तो वो बोला कि बंदरों ने मेरा ये हाल किया है, उन्हें एक बहुत ही अच्छा जंगल मिला है, वो सब वहाँ पर बहुत खुश हैं, वहाँ पे ठंडा मीठा पानी है, बहुत सारा सब्ज़ा है, मज़े मज़े के फ्रूट्स हैं, तो वो सब वहाँ खुशी खुशी रहते हैं। जब मैंने उन्हें कहा कि चलो हाथियों को भी हम इस जंगल के बारे में बताते हैं, तो उन सब ने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया और फिर उठाकर यहाँ पे फेंक दिया और कहा कि जाओ तुम हाथियों के साथ रहो, क्योंकि तुम्हें उनका बहुत ख्याल है। हाथियों ने सुना तो कहने लगे कि अच्छा, वो कौन सा जंगल है और कहाँ पे है, हमें दिखाओगे। बंदर ने हामी भर ली। बंदर ने उन्हें कहा कि अच्छा, आप मुझे, आप में से एक हाथी हम मुझे उठा ले और फिर मैं आप लोगों को रास्ता बताता हूँ, आप चलते चले। एक हाथी ने बंदर को अपने ऊपर बैठा लिया और वो सब एक तरफ को चल दिए। जिधर जिधर बंदर उन्हें बताता था उधर उधर वो चलते चले जाते थे। आहर कर क्या हुआ, चलते चलते एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने नोट किया कि वो सारे हाथी किसी जगह पर फंस रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दलदल में फंसना शुरू हो गए और फिर सारे हाथी उस दलदल में फंसते चले गए और बंदर ने जंप लगाई और एक साइड पे हो गया। अब सारे हाथी दलदल में फंस के मर चुके थे और बंदर अब बहुत खुश थे। बंदर अपने घर अपने जंगल में वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। जहाँ पे उनका घर था, यहाँ पे उनका खाने पीने का सामान था, वो सब वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया।